एक क्वेश्चन बच्चों का बहुत ज़्यादा आता है कि सर जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उसमें जो भी डायग्राम होंगे वो हम पेंसिल से बनाएं या हम पेन से बनाएं। तो चिल्ड्रन, अगर तुम क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले यार मेरे इस एफर्ट के लिए वीडियो को एक लाइक कर दो, मैं 3 तक काउंट करूँगा। चिल्ड्रन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, 1, 2, 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो चिल्ड्रन बेसिक रूल क्या है, अगर मैं पहले बात कर रहा हूँ क्लास 12th के लिए, पेन टू बी यूज्ड। हालांकि अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे स्कूल में तो मैम ने कहा है कि पेंसिल से बनाने सारे डायग्राम, नहीं तो मार्क्स लग जाएंगे। पहले ऐसा होता था कि पेंसिल से बोला जाता था, लेकिन होता क्या है कि बोर्ड की कॉपी चेक होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, पेंसिल से बना हुआ डायग्राम लास्ट में आके फेड हो जाता है, बिल्कुल दिखता नहीं है। तो अब CBSE ने भी कुछ करेक्शन किया है और पेन को यूज़ मतलब बताया है। अब क्लास 10th में भी आप पेन यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप चाहो सर हमसे पेन से डायग्राम नहीं बन रहा, हम तो पेंसिल से ही बनाएंगे, क्या अगर हमने पेंसिल से बना दिया तो क्या हमारे मार्क्स कट जाएंगे? बिल्कुल भी आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, लेकिन कोशिश करना थोड़ा डार्क डायग्राम बनाओ ताकि जब तक आपकी कॉपी चेक होने पहुँचे आपका जो डायग्राम है वो एज इट इज़ बना रहे। अब बात करेंगे सर जो मैथ्स एक्टिविटी में हमको कुछ डायग्राम या कुछ फिगर ड्रॉ करना होता है, 100% वो पेन से ही करेंगे। चिल्ड्रन इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर अभी तक आपने CBSE का न्यू ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। याद रखना पुराना ऐप डाउनलोड नहीं करना, नया ऐप डाउनलोड करना है। किसी भी क्वेरी के लिए 60 सेकंड्स में आपके सारे आंसर्स मिलेंगे, तो अभी जाओ और अभी ऐप को डाउनलोड कर लो।